हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम में, जिसका वेटेज है मिनिमम 5 मार्क का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का वेटेज है। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलते क्वेश्चंस की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चंस लेके आए हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। 16, 64, 144, 256, 400, 570 एंड 784। ओके, अभी देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर समझाते आ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी देखिए ये सारा स्क्वायर रूट क्यूब रूट बेस पे दिया हुआ है। फॉर 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, 256 जो है 12 ये 16 का स्क्वायर है, 400 जो है ये 20 का स्क्वायर है, 570 किसी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ 24 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 576 आना चाहिए था, 784 जो है 28 का स्क्वायर है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, सब में 4 का डिफरेंस है, प्लस सबके स्क्वायर चल रहे हैं। 24 का स्क्वायर आता है 576, जबकि जो है क्वेश्चन के अंदर 570 दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या निकल गया है, आया 570 निकल गया है। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट लर्न करके रखिए, एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं वो। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 30, 50, 120, 270, 525, 910, 1450। अभी देखिए सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही, प्लस काफ़ी स्मूथली रन हो रही, तो हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ 70 का डिफरेंस है, यहाँ 7-2, 5, यहाँ 150 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 5-0, 5 आ जाएगा, 12-7, 5 आ जाएगा, 4-2, 255 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखिए 10-5, तो यहाँ 5 का डिफरेंस, 10-2, 8 आ जाएगा, 8-5, 3, यहाँ 385 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 5-1, 4 आ जाएगा, 40-9, 540 का डिफरेंस है। ठीक है, हमें सिंगल डिफरेंस में कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा सब डबल डिफरेंस लेके चेक करते हैं। यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ 7, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं, यहाँ 105 का डिफरेंस है, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ 130 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर चेक करिए 10-5 का, तो 5 का डिफरेंस है, तो 30-8, 5 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 155 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखिए 50, 80, 105, 130, 155 अभी भी नहीं समझ में आया, और एक बार डिफरेंस लेके चेक करते। ठीक है, यहाँ 30 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, यहाँ भी 25 का डिफरेंस है, यहाँ भी 25 का डिफरेंस है, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ भी 25 होना चाहिए था, मतलब इसका इंपैक्ट कहाँ पर हो रहा है, 30 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या आ गया, 30। कितना इजी क्वेश्चन है, बस हमने जो है ट्रिपल डिफरेंस दिया। ठीक है, डबल डिफरेंस 50, 80, 105, 130 में भी नहीं समझ में, हमें इसलिए ट्रिपल डिफरेंस लेके देखा। यहाँ 30 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, इसलिए ये पैटर्न हमारा रॉन्ग है। तो इसका इंपैक्ट कहाँ पर हो रहा है, 30 में। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या है, 30। ओके, आया समझ में, बस थोड़ा लेंथी था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 10, 30, 50, 79, 135, 272, 652, यही दिया हुआ है। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ डिफरेंस है 20 का, यहाँ डिफरेंस है 20 का ही डिफरेंस है, यहाँ 29 का डिफरेंस है कि नहीं। उसके बाद चेक करिए 5-50-9, 6 आ जाएगा, 12-7, 56 का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, चेक कर सकते हो, 9-6, 15, 1 कैरी, 5+7, 12+1, 13, 135 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद चेक करिए 12-5, 7 आ जाएगा, 6-3, 3 का डिफरेंस है, 137 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिफरेंस चेक करिए, 50-7, 8 का डिफरेंस, 5-2, 380 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखिए 20, 20, 29, 56, 137, 380 सिंगल डिफरेंस को समझ में आ रहा है, डबल डिफरेंस लेके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफरेंस 0 का है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर चेक करिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, आई थिंक सो यहाँ पर 60-7 आ जाएगा, यहाँ 27 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ 7-1 आ जाएगा, 30-5, 81 का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 10-7, 3 आ जाएगा, 7-4,
टू 43 का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए 9, 27, 81, 243, आई थिंक सब तीन के मल्टीप्लाई चल रहे हैं। 243 ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा था। यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मुझे 9 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कितने, यहाँ पर 3 चाहिए था, जबकि यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या है, 10 रॉन्ग टर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 होता तभी 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, ऐसा पैटर्न चल रहा था, जबकि यहाँ पर 0 डिफरेंस आया था, यहाँ 0 डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या है, 10 रॉन्ग टर्म है, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, 26, 32, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है, बस प्रॉपरली ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसा बता तो आपको पैटर्न, ठीक है। और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, 228 एंड 370। देखिए सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इसलिए डिफरेंस चेक करें। देखिए डिफरेंस तो आप चेक करोगे, पर मेरा ऐसा मानना है कि पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार चेक करिए पैटर्न लॉजिकली बैठता है क्या। देखिए 26 प्लस 32 कितना मिलता है, 58 मिलता है, यहाँ 56 दिया हुआ है, ठीक है। 32 प्लस 56 कितना मिलता है, 6 प्लस 2 8 आना चाहिए था, 5 प्लस 3 88 आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। 6 प्लस 6 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 42, तो 142, तो यहाँ मुझे इन दोनों का टोटल कितना मिल रहा है, 142 मिल रहा है, यहाँ तक समझा आप लोगों, ठीक है। 8 प्लस 2 8 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 4 प्लस 8 12 आ जाएगा, 1 कैरी 1 का 2 हो जाएगा, 228, तो मेरा इन दोनों का टोटल भी कितना मिला, 228 मिला, ठीक है, यहाँ तक समझा आप लोगों। उसके बाद देखिए 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझा आप लोगों को। 2 प्लस 1 3, तो मुझे इन दोनों का टोटल भी 370 मिल रहा है, मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों का टोटल करके ये आ रहा है, इन दोनों का टोटल करके ये आ रहा है, बस यहाँ पर जो है 26 प्लस 32 करूँ तो मुझे जो आ रहा है वो 56 नहीं 58 आ रहा है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या है, 32 रॉन्ग टर्म है, क्योंकि इन दोनों का टोटल करके भी मुझे 86 नहीं आ रहा है, इसलिए 32 हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है, ठीक है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आया, बस इन दोनों का एडिशन करते चलो, जैसे इन दोनों का एडिशन करके ये आता है, इन दोनों का एडिशन करके ये आ रहा है, इन दोनों का एडिशन करके ये आ रहा है, बस इन दोनों का एडिशन करके ये भी नहीं आ रहा और इन दोनों का एडिशन करके ये भी नहीं आ रहा, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या आ गया, 32 आया, ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए 1331 1728 2197 2744 एंड 3375, मुझे ये लग रहा है 11 का क्यूब है, 11 का स्क्वायर आता है 121 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 1331 आता है, यहाँ तक समझा आप लोग को। उसके बाद देखिए 1728 जो है 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब यानी 12 का स्क्वायर 144 में से 12 माइनस मल्टीप्लाई करिए 172 आता है, 2197 13 का क्यूब लग रहा है मुझे, यहाँ पर 14 का क्यूब के आसपास की वैल्यू दिख रही है, क्योंकि 14 का क्यूब आता है, 14 का स्क्वायर 196 है, 196 में अगर मैं 14 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2744 आना चाहिए, क्योंकि एन डीजे भी 4 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर 2744 होना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया, 2745 दिया, तो हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या है, 2745, ठीक है। 3375 जो 15 का क्यूब है, ठीक है, 15 का क्यूब क्या है, 3375, ओके। तो इसी तरह टोटल मेरे 5 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, इन 5 क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जय हिंद।